प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार आज कक्षा 10 की सीरीज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए बेटा, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। किसी एक संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप उसको मानोगे, माना, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, माना वह संख्या बेटा यक्ष है। और प्रश्न कह रहा है यक्ष का एक तिहाई, वह संख्या यक्ष का यानी उस स्वयं का एक तिहाई किसके बराबर है? 21 के बराबर है। 21 के बराबर है तो बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 तिया इसके कैची गुणा लगाओ, 21 तिया 63, तो वह मान कितना होगा? 63 होगा। तो हमारा विकल्प सी सही है। ठीक है बेटा, अब इसी पर हमने लिया है दूसरा प्रश्न लिया है कि देखो 3x+2y=6 तथा y=0 का हल है। 2, 0 है, 0, 2 है, 3, 0 है, 0, 3 है, इनमें चेक करना आपके लिए। तो हम ऑब्जेक्ट से ही सवाल कर लेंगे, विकल्प ही से कर लेंगे। तो देखो ऐसा चेक करते हैं, बाई की जगह पर 0 रख दो। क्या रख दोगे? बाई की जगह पर 0 कर दोगे। हम हमारा सवाल दिया गया है 3x+2y=6, और बाई की जगह पर जैसे ही हम रखेंगे 3x+0=6, तो 3x=6, तो 3 × 1=3, 3 × 2=6, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो वाई का मान तो बेटा 0 है और एक्स का मान 2 हो जाए, तो एक्स का मान 2, 0 देखें आप, 2, 0, तो विकल्प हमारा पहला ही ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे सवाल की ओर। रैखिक समीकरण युग्म x+y=10, x-y=4 का हल है। तो बेटा इसको भी हम विकल्प से ही कर सकते हैं, अगर चाहे तो हल करो, विकल्प से ज्यादा टाइम नहीं, ऐसा संतुष्ट समीकरण हो जाए। तो एक से जगह 5, तो x+y=10 और x-y=4 दिया है, तो हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, इसे जोड़ने पर तो 2x=14, तो x 2 × 1=14, तो x बराबर हमारा बेटा हो जाएगा 7। अब x=7 मिल गया, 7 मान भर दो किसी में, तो 7 यह हो जाएगा x+y=10 दिया है, तो x की जगह पर देंगे 7+y=10, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? y बराबर पक्षांतर करेंगे 10-7=3, तो y का मान बेटा 3 आएगा, x का मान 7 आएगा। विकल्प बी आपका बिल्कुल ही सही है। चाहे तो इसमें मान देख चेक कर सकते हो, x का मान 7+3 कितना हो गया? 10। यहाँ देख सकते हो 7-3 कितना आया? 4। विकल्प से ही ज्यादा सवाल जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन वहां होती, टाइम को देखना पड़ता है। तो यहाँ अगला फिर सवाल दिया गया है कि 2x+3y=8x-2y=2, तो हमें x और y के मान चेक करने हैं। तो x=3, y=8, क्या समीकरण संतुष्ट कर रहे हैं? तो हम इसको वैसे विलोपन विधि से इसको भी हल कर सकते हैं। देखो 2x+3y=18 और x-2y=2। अब हम इसमें 2 की गुणा कर देंगे दोनों समीकरण, एक इसे समीकरण दे दो आप 2, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 की गुणा गुणा करके और घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब देखो हम इसमें कर रहे हैं, तो जो पहली बार लिख लो 2x+3y=18 और यहाँ हो जाएगा 2x-4y=4। अब क्या लिखो? घटाने पर, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4×3 7y=14, तो बाई बराबर हो जाएगा 14/7, 7×2=14। अब बाई का मान समीकरण 1 में, तो रख दो बाई का मान,
2x प्लस 3 गुणा 2 बराबर 18, तो यार 2x प्लस 6 बराबर 18, और 2x बराबर 18 माने 6, और 2x बराबर हो जाएगा 12, और 2 एक 2 छंग 12, x बराबर 6 और y बराबर 2। देख लीजिए आप, आपके मान x बराबर 6 और y बराबर 2, तो विकल्प आपका ये पहला वाला सही है, x बराबर 6 और y बराबर 2। अब हम पांचवे सवाल की ओर आ रहे हैं। यदि एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म हल है, तो बेटा इसमें मान बारी बारी से चेक करेंगे। देखो, अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं और y की जगह पर -3, तो हमारा ये तो सही हो रहा, इसमें और बड़ा चालाकी काम है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 प्लस को हो जाते हैं, 9 4 13 हो जाएंगे, तो ये गलत हो गया। इसमें हम मान भर भर के चेक करेंगे, 1 2 दूनी 4 और 5 15, 15 में से यानी हमें 4 हो गया, माइनस के 15 हो गया, माइनस 11 आ गया, ये तो सही चल रहा है। यहाँ भी रखेंगे 4 गुणा 2 माइनस के प्लस के 10 गुणा माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 30, कितना -22, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। इनमें बारी बारी चेक कर लें, ये सब गलत विकल्प आएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो ये भी बेटा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो x प्लस y बराबर 24 है, तो समीकरण एक द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, या देखिए दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो एक संख्या जे है दूसरी संख्या 2 गुनी हो गई, इसमें मान भर दीजिए, समीकरण से 2 दे दो, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जो हो जाएगा बेटा 2y प्लस y बराबर 24, तो 3y बराबर 24, तो y बराबर 24 बटे 3 3 8 24। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, तो बेटा x बराबर 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, तो x का मान आएगा 16 और y का मान आएगा 8, तो देखो बेटा कहां पर 16, 8 विकल्प ए सही है, x का मान 16 और y का मान 8। ये विकल्प आपको ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी, बार बार लगाओ। तो दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी, तो फिर मैंने माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्न क्या करा, दो संख्याओं का योगफल, तो प्रथम शर्तानुसार लिखोगे, प्रथम शर्ता अनुसार x प्लस y बराबर 8, और द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखोगे, द्वितीय शर्ता अनुसार बेटा हो जाएगा x माइनस y बराबर 2। अब इन्हें हल करना चाहो तो यहां पर हल कर सकते हो, तो x प्लस y बराबर 8, x माइनस y बराबर 2, इन्हें जोड़ने पर क्या लिखोगे, जोड़ने पर लिख देना, जोड़ने पर तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 5, 2 1 2 5 10। y x का मान समीकरण एक में रख दो, 1 2 हो गई जी, तो यहां पर रखोगे 5 और y बाई, यानी 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, तो इसका मान हो जाएगा, x का मान आया 5 और y का मान आया 3, तो 5 कामा 3 विकल्प भी सही है। तो ऐसे भी कर सकते थे और चाहे तो जोड़ के भी सकते थे, 5 3 8 और 5 में 3 गए 2, तो ऐसे विकल्प सही था।
तो बेटा ये हमने आज 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नोट करिए और बारी बारी से समझिए, जो चीज़ समझ नहीं आई हमारे लिए कमेंट करिए, हम आपके सहयोग में लगे हुए हैं। जैसा टूटा फूटा वीडियो दे रहे हैं इसके लिए आप समझदार हैं, और प्रयास करता हूँ अच्छा बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।